हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, क्योंकि देखो विद इन 10 मिनट के अंदर मैं पूरे 25 क्वेश्चंस ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हिंदी में, अगर आप देखो जब आप एग्ज़ाम हॉल में भी हिंदी का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे, पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो 10 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चंस को मैं 1 घंटे तक आप लोगों को करवाऊं। तो मेरा मकसद यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन आप लोग वीडियो को प्यार नहीं देते हैं। मैंने बोला था कि वीडियो को 250 लाख तक का टारगेट रखता हूँ मैं, 250 लाइक, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसको पूरा नहीं किया। तो मेरी आपसे विनती है कि कम से कम वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो कर दो, अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो तो। बस इतनी ही मेरी विनती है। और सारी PDF मैं आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से आप लोग जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हीरक सी, तो देखो सी से आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि सी एक वाचक शब्द है। 19 शब्द का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? उन उपसर्ग होगा, है ना। हालांकि उनमें भी जो आपका जो है वो क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा, तो डी ऑप्शंस करेक्ट होगा। 19 का जो कौन सा ऑप्शंस होगा, उन डी ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक नहीं है? घोतक है, सॉरी, भविष्य काल का घोतक है। मुझे दिल्ली जाना है, अभी गए नहीं है, जाना है ना। तो यही है पहला ऑप्शन करेक्ट। जटिल का अर्थ बताइए कि जटिल का अर्थ क्या होता है? पेचीदा, ये जटिल का अर्थ होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुशासन सफलता की फिरिंदा ब्लैंक्स है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो अनुशासन सफलता की कुंजी है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काफ़ी में विशेषण कौन सा विशेषण होगा, जल्दी बताओ, काफ़ी शब्द में? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको बताना है मूल शब्द का समानार्थक कौन सा नहीं है, अंबर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। धातु, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ध्रुव का आपको बताना है कि कौन सा समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? पूरा ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, ता था दा धा ना, यानी कि ये तीनों ही दंत व्यंजन है। टा, मूर्ध्या से बोला जाता है टा वर्ग, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, केशव दास, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक में कौन सा वह है? तो इस वाक में देखो क्योंकि के से वाक जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कारणवाचक अवयव होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 12 और 13 में आपको बताना है कि सर्वोत्तम विलोम शब्द यानी कि महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ, पहला ऑप्शन करेक्ट। दारिद्र्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैभव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कारक कौन सा है चुनना है, जल्दी बताएं। पेड़ से फल गिरा, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा ना, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो अपादान कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पृथक गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाएगा पृथक, है ना। इसमें भी वही काम करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। निस्वार्थ गलत लिखा हुआ है, निस्वार्थ में आप सभी लोग जानते हैं कि विसर्ग आएगा, है ना, नहीं स्वार्थ होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशुद्ध वाक्य पहचानना है। 9, 2, 11 होना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। 9, 2, 11 होना है यानी कि भाग जाना।
हवा से बातें करना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत फिलिंदा ब्लैंक्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से सफलता के लिए भी साफ फिलिंदा ब्लैंक्स की ज़रूरत होती है। तो आपको बताना है कि दोनों ही फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड क्या होगा। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसके बी पार्ट में गलती हो जाएगी, है ना। दौड़ के स्थान पर भाग का प्रयोग होगा, युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता, ठीक है, दौड़ नहीं आएगा। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकदा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके किस पार्ट में गलती है? तो इसके भी बी पार्ट में गलती हो जाएगी सर, है ना। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर बार शब्द का जो प्रयोग है ये अनुचित है। सिद्धांतों की अनेकदा, अनेकदा का मतलब ये होता है कि कई बार, है ना। तो यहाँ पर बार शब्द का प्रयोग अनुचित है। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। स्वेत पत्र, स्वेत हैजो पत्र, हैजो की हिंदी निकलती है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला यानी कि पाठ या पाठ के लिए साला, पढ़ने के लिए साला, उसी को तो बोलते हैं पाठशाला, वहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ, अब आप बोलोगे सर नीलकंठ में भी तो आपका जो है वो कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ का समास वगैरह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो भगवान का नाम आ गया, तो भगवान के नाम बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से सारे चारों ही समझा दिए, ठीक है। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होगा। श्वेत पत्र में 100% आपका क्या होगा सर? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन से ये आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपको जो है वो कहाँ पर बताने पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।